नमस्कार, शिप्रा गारू होममेड फूड में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम पनीर ले लिया है और पनीर को हमने इसी तरह काटिंग करके ले लेते हैं। ऐसा विशेष में वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा ये डिशेज कैसा बनेगा। और जो लोग नए हो हमारे चैनल में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए ये हम पूरा काट लेते हैं। तो पनीर हमारा कटिंग करके हो गया है, ये हम साइड कर देते हैं। और हमें जो लगेगा ये है, ये हमने ऑनियन, देखिए ये हमने स्क्वायर साइज में काट के ले लिया है। शिमला मिर्च भी हमने कटिंग करके ले लिया है ऐसे ही। तो ये हम शिमला मिर्च और ऑनियन ये लगेगा, ये भी हम साइड में। हमने 2 टेबल चम्मच दही डाल देते हैं। ये हमने दही को छान के ले लिया है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो ये हम डाल दिए हैं। और हमें लगेगा एक पनीर टिक्का मसाला, हमने 2 टेबल स्पून लिया है, ये भी हम डाल देते हैं पूरे। और हमने लिया है अदरक, लहसुन और काली मिर्च, ये तीनों का हमने पेस्ट बना के ले लिया है। एक एक चम्मच लिया है उसका, हमने पेस्ट बना लिया है, ये भी हम डाल देते हैं पूरे। ये हम डाल दिए हैं। और हमें लगेगा ये हम रेड चिल्ली पाउडर आधा टेबल स्पून लिया है, ये भी हम डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर ये भी आधा टेबल स्पून हमने लिया है, छोटे टेबल स्पून का आधा टेबल स्पून लिया है, ये भी हम डाल देते हैं। और हमने डाल दिया ये फूड कलर, ये हमने चुटकी भरी लिया है फूड कलर, ये भी हम डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, चाहिए तो आप डाल सकते हो और ना चाहिए तो आप ना भी डाल सकते हो। और स्वाद अनुसार नमक ये भी हम डाल देते हैं, ये हम डाल देते हैं। और सारे चीज़ों को अच्छी तरह मिलाना है हमें, ये हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो मसाला अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हाथों की मदद से ये जो पनीर है, पनीर को भी मैरिनेशन करना है। और जो हमने शिमला मिर्च और ऑनियन काट के रखा है उसे भी मैरिनेशन करना है। तो पनीर को हल्का हाथों से धीरे धीरे ऐसा करना है, क्योंकि पनीर बहुत नरम है, टूटने का डर है, इसीलिए इसी तरह पहले हम पनीर को एक एक ऐसा मैरिनेशन कर लेते हैं। पूरे मसाला हम लगा देते हैं उसमें और एक एक मसाला लगा के ऐसा साइड कर देते हैं। तो हमने पहले पनीर को मैरिनेशन करके उठा के रख दिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये शिमला मिर्च और ऑनियन इसे भी हम मैरिनेशन कर लिया है। और हम अभी हम क्या करेंगे, इसे आधा घंटा ढक के रख देंगे, उसके बाद हम तवा में फ्राई करेंगे। तो ये तवा में ही पनीर टिक्का बनेगा, बिना ओवन का और बिना तंदूर का हमने बनाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हो ये हमने आधा घंटा हो गया मैरिनेशन करके रख दिए थे, ये शिमला मिर्च ऑनियन ये भी देख सकते हो आप। अब हम शैलो फ्राई करेंगे, थोड़े से तेल डाल देते हैं हम हल्का करके, तेल डाल के अच्छी तरह मिला देना है। तो हम एक एक कप पनीर डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, ऑनियन डालेंगे, इसी तरह हम एक एक डाल के शैलो फ्राई करेंगे। और गैस का फ्लेम एकदम मीडियम में रखना है,
एक साइड हो गया है, एक टर्न करते हैं हम। अच्छा इसी तरह सारे पनीर और शिमला मिर्च अनियन को हम टर्न कर देते हैं, वो साइड भी अच्छी तरह सेक जाए। तो ये हमने सारे टर्न कर दिए हैं और ये साइड भी अच्छी तरह पकने देते हैं। तो आप देख सकते हो पनीर हमारा सेक के हो गया है, पनीर जल्दी सेकता है और ये जल्दी हो गया है, ये हम निकाल के रखा है। और ऑनियन शिमला मिर्च थोड़ा टाइम लग रहा है ये पकने को, देखिए ये सेक रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ज़्यादा हम गैस का फ्लेम हाई नहीं कर सकते, जल जाएगा इसीलिए। तो इसी तरह टर्न कर करके पकाना है, देखिए ये हो रहा है धीरे धीरे। शिमला मिर्च अनियन भी सेक के हो गया है, ये भी हम निकाल के ले लेते हैं, देखिए। और भी हम दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा हम तेल डाल देते हैं हल्का करके, तेल डाल दिया है। सेम प्रोसेसर में हम ऐसा ही पनीर और शिमला मिर्च एक एक रखते रह जाएंगे हम। तो आप देख सकते हो कितना इजी है ये बनाना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कटिंग करके मैरिनेशन करके रख दीजिए और फटाफट तैयार हो जाएगा, बनाने में कोई झंझट नहीं है। आप घर पर एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, अच्छा भी लगता है और बच्चे लोग का तो बहुत फेवरेट है ये, बना के दोगे तो वो लोग बहुत ही खुश हो जाएगा। तो हम इसी तरह ये भी हम ऐसे ही सेक लेते हैं और गैस का फ्लेम एकदम धीमा करके सेकना है। और थोड़ा टाइम के बाद हम पनीर को पलट के देखना है, क्योंकि पनीर नहीं तो जल जाएगा, इसीलिए पनीर जल्दी पकता है, पनीर को जल्दी पलटना पड़ता है। तो पकने दीजिए। तो आप देख सकते हो सेकंड बैच भी हमारा एकदम तैयार है, तो देखिए कितना मस्त बना है, कलर भी देखिए कितना मस्त आया है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार आप लोग। तो चलिए इसी तरह हम पूरे ट्राई करके ले लेते हैं, फिर प्लेटिंग करके आपसे मिलते हैं। तो हमारी पनीर टिक्का एकदम तैयार है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया बना है, आप घर पर जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ये बनाने में बहुत ही इजी है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी आपको तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। फिर मिलेंगे दूसरा कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।